तो मित्रों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अपने बिहार के प्रमुख शहर सासाराम में कौन कौन से घूमने वाले प्रमुख स्थान हैं और कौन कौन से यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस हैं जो आप विज़िट कर सकते हैं, जो कि आपको बिहार के अन्य शहरों में नहीं देखने को मिलेगा। और आप एडवेंचर के शौकीन हैं फिर तो आपको आनंद ही आ जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि भविष्य के वीडियो का नोटिफिकेशन सरलतापूर्वक आप तक पहुंचता रहे। तो मित्रों, जहां तक बात किया जाए सासाराम शहर में घूमने वाले प्रमुख स्थानों में, तो पहले नंबर पर आता है श्री शक्तिपीठ माँ ताराचंडी धाम, जो कि 52 शक्तिपीठों में से एक है और यह काफ़ी प्रमुख स्थान है। और यहाँ पे बोला जाता है कि माता सती का बायां नेत्र गिरा था जो कि शक्तिपीठ में स्थापित हो गया। और गौतम बुद्ध ने जब अपनी तपस्या करके जब उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई तो गया से चलते वक्त उन्होंने यहाँ पे माता रानी का पूजा भी किया था और उनका तपस्या भी की और यहाँ से वो सारनाथ की ओर चले गए थे। तो काफ़ी ये प्रमुख स्थान है और बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और दोनों नवरात्रों में तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है। और मित्रों, अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं फिर तो ये दूसरे नंबर पे जो आता है ये माझरकुंड का झरना काफ़ी प्रमुख है और ताराचंडी धाम से मात्र आपको 7 से 8 किलोमीटर दूर कैमूर पहाड़ी के गोद में स्थित यह झरना आपके मन को मुक्त कर देगा और आप प्रसन्न हो जाएंगे। यहाँ पे काफ़ी एडवेंचर के शौकीन लोग आते हैं और यहाँ पे आप हरे भरे जंगलों के बीच में आपको एकदम शुद्ध आनंद आ जाएगा। तो अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो आप यहाँ भी आ सकते हैं। और मित्रों, तीसरे नंबर पे आता है श्री माँ तुतला भवानी धाम और ये आपको ये जो वाटरफॉल दिख रहा है ना, ये भी काफ़ी प्रमुख है, यहाँ पे भी आप आ सकते हैं। ये सासाराम शहर से करीब आपको 22 या 28 किलोमीटर दूर पे स्थित है और यहाँ पे आपको जो वाटरफॉल दिख रहा है इसके नीचे ही गुफा में श्री माँ तुतला भवानी का मंदिर है। तो अगर आप यहाँ भी आना चाहते हैं, वाटरफॉल का आनंद उठाना चाहते हैं, तो आइए, मज़ा आ जाएगा आपको। अब चलते हैं मित्रों तीसरे नंबर पे, जो कि है दुर्गावती जलाशय और बहुत सारे लोग इसको करमचट डैम भी बोलते हैं, लेकिन प्रमुख इसका नाम है दुर्गावती जलाशय। और मित्रों, ये जो डैम है ये काफ़ी अभी इसको मान के चलिए बने हुए करीब आपको 6-7 साल ही हुए होंगे और क्योंकि ये बहुत पहले से बन रहा है, लेकिन इसको बनने के बाद ये जो आपको एक बहुत सारा लोगों का जो गांव के आसपास के लोगों थे उनके लिए भी काफ़ी ये नहर का जो सिंचाई का पानी होता है यहाँ से जाता है और घूमने के लिए तो एकदम अत्यंत दुर्लभ नज़ारा है। आप यहाँ पे आइए, कैमूर पहाड़ी के गोद में स्थित यह दुर्गावती जलाशय आपके मन को प्रसन्न कर देगा और इसके ऊपर ही शेरगढ़ का किला है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। और यह दुर्गावती जलाशय आपको यहाँ पे आपको जो पानी दिख रहा होगा आसपास करीब 50 किलोमीटर दूर तक आपको सिर्फ पानी पानी दिखेगा, तो काफ़ी बड़ा ये है और आप इससे तो बिजली उत्पाद भी किया जाएगा और बहुत सारे गांव में सिंचाई के लिए भी पानी यहाँ से जाता है। तो अगर आप यहाँ घूमने आना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं। ये सासाराम से करीब आपको 35 किलोमीटर के दूर पे आसपास होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, तो आप आ सकते हैं। अब चलते हैं मित्रों, हम लोग बात करते हैं ये पाँचवें नंबर पे जो कि प्रमुख है पूरे बिहार में, शेर शाह सूरी का मकबरा, जो कि 1500 ईस्वी में यह बना था और शेर शाह ने बहुत सारे अपने समय में विकास के कार्य किए थे। जो डाक पे आज हम लोग टिकट देखते हैं वो भी इन्हीं के शासन में स्टार्ट किया गया था और ऐसा बोला भी जाता है कि ये रुपए का जो हम लोग का ये स्टार्ट इन्होंने ही किया था अपने शासनकाल में। और इनका यहाँ पे कब्र है तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग घूमने आते हैं और इसका खासियत यह कि ये पानी के बीच में बना हुआ है, तो एक तरह से ये हमारे बिहार का ताज बोल सकते हैं।
तो आप अगर आना चाहते हैं घूमने तो बिल्कुल आ सकते हैं। इस मेन सासाराम मार्केट से करीब आपको 500 मीटर या 1 किलोमीटर के दूर पर स्थित है, 1 किलोमीटर से कम ही है, तो आप अगर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। अब मित्रों बात करते हैं हम लोग छठवें नंबर पर, तो छठवें नंबर पर आता है आपको रोहतासगढ़ का किला। मित्रों यह किला काफ़ी प्राचीन है, ऐसा बोला जाता है कि भगवान श्री राम के पूर्वज राजा रोहितवास जो थे उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था, जो इसको विश्वकर्मा भगवान जी ने बनाया था। और यह किला आपको इतना विशाल देखने को मिलेगा जिसमें आपको शीश महल और भी अनेक प्रकार के महल, राजभवन जो भी है सब कुछ इसमें मौजूद है, लेकिन इस पर अभी ध्यान नहीं दिया जा रहा है और ये धीरे धीरे खंडर में बदल रहा है। और राजस्थान में जाइए, मध्य प्रदेश में जाइए, ऐसे ऐसे किलों को संरक्षण किया जा रहा है और उसको टूरिस्ट प्लेस में विकसित किया जा रहा है, लेकिन यह किला जंजर बनते जा रहा है। यहाँ पर प्राचीन गणेश जी का मंदिर है, महादेव का मंदिर है, मतलब पुराना पुराना मंदिर है जो भी खंडहर बनते जा रहा है और इसमें बहुत सारे सुरंग हैं। तो ये पहाड़ पे स्थित यह किला काफ़ी विशाल है जिसे देख के आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। तो आप आना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं। और अब बात करते हैं हम लोग सातवें नंबर की, और मित्रों सातवें नंबर पे आता है आपको शेरगढ़ का किला, जो कि करमचा डैम जो मैंने आपको बताया था इसके ऊपर वाले पहाड़ पे स्थित है। और यह किला का ऐसा खासियत है ना कि ये सामने से आपको यह किला दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये किला पहाड़ के अंदर तोड़ के बनाया गया था गुफा जैसा, और इसमें 10,000 सैनिक रखने के लिए तहखाने भी हैं और काफ़ी विशाल विशाल सुरंग हैं अलग अलग जगह पे निकलने के लिए। ये भी अब खंडहर बन गया है, इसके अंदर कुआं है, बहुत सारे चीज़ हैं, रानी महारानी राजा का पुराना पुराना ये सब है। शेरशाह का यह बोला जाता है कि उन्होंने इसका पुनर्निर्माण करवाया था, बहुत लोग बोलते हैं कि उन्हें उनके कोई मित्र ने उन्हें यह सौंपा था। अब ये तो स्टोरी है, लेकिन ये किला खंडर में बदलते जा रहे हैं, इसका संरक्षण का कोई दिखता ही नहीं है, मतलब ऐसे ही मिट्टी जम रहा है, घास जम रहा है, कोई इस पर ध्यान भी नहीं देता है। तो यह काफ़ी प्रमुख किला है, अगर इसको हम लोग को अगर आप बचाना चाहते हैं तो इसके लिए वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये सब बिहार के धरोहर हैं जो कि आज जंजर हालत में हैं। और काफ़ी ये प्रमुख और प्राचीन किला है और आप यहाँ पे आएंगे तो आपको आनंद आ जाएगा, तो आप यहाँ भी घूमने आ सकते हैं। अब बात करते हैं मित्रों आठवें नंबर पे, तो आठवें नंबर पे हम लोग बात किया जाए तो यह सासाराम शहर में स्थित एक गुरुद्वारा है जो कि जिसका नाम है चाचा फाल्गु माली साहेब गुरुद्वारा। और यहाँ पे भी काफ़ी श्रद्धालु लोग आते हैं और बहुत सारे जब गुरु नानक जयंती होता है तो बहुत सारे सिख जो धर्म के लोग हैं बहुत सारे लोग आते हैं। तो ये भी काफ़ी प्राचीन बोल सकते हैं बना है यह गुरुद्वारा, तो आप यहाँ भी आ सकते हैं। अब बात करते हैं मित्रों नौवें नंबर पे, तो देखिए मित्रों नौवें नंबर पे आता है पायलट बाबा धाम। ये जो पायलट बाबा धाम आश्रम है इसके अंदर पूरा सोमनाथ मंदिर जो कि है उसके हूबहू द्वारा भगवान शिव का मंदिर बनाया जा रहा है, और सामने में गेट पे भगवान शिव का सबसे विशाल आप बोल सकते हैं प्रतिमा बनाया जा रहा है, और जो कि भगवान शंकर बैठे हुए हैं। और यह अंदर में आप जाएंगे तो पूरा आपको आनंद आ जाएगा, अलग अलग देवी देवताओं के कलाकृति आपको देखने को मिल जाएगा। और यह काफ़ी आने वाले समय में और जब बन के रेडी हो जाएगा 1-2 सालों में तो ये अत्यंत दुर्लभ नज़ारा रहेगा, और काफ़ी बहुत सारे लोग श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, तो आप यहाँ पे भी आ सकते हैं। सासाराम शहर से करीब आपको 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है, तो आप यहाँ भी आ सकते हैं। अब 10वें नंबर पे मित्रों बात करते हैं इंद्रपुरी डैम की। इंद्रपुरी डैम जो कि सासाराम शहर से करीब आपको 16-17 किलोमीटर के दूर पर स्थित है, और यह काफ़ी पुराना सोन नदी के ऊपर बना हुआ डैम है जिससे बहुत सारा बिजली उत्पाद भी किया जाता है, और अलग अलग जो गांव है ब्लॉक है वहाँ पे सिंचाई के लिए नहर के द्वारा यहाँ से पानी को भी डाइवर्ट किया जाता है, और बहुत सारे यहाँ से बालू भी निकाला जाता है। और अब जाएंगे तो यहाँ सोन नदी पे एक पुल बना हुआ है
जो पुल इधर औरंगाबाद ज़िले और इधर रोहतास ज़िले को डिवाइड करता है, वो सोन नदी पे जो पुल है काफ़ी बड़ा है, और आप चाहें तो इस डैम पे भी आ सकते हैं घूमने, जो कि इंद्रपुरी बैराज के नाम से प्रमुख है। तो मित्रों, आशा करते हैं कि आप वीडियो से समझ गए होंगे, और वीडियो मज़ेदार लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और बिहार से हैं तो दबा के शेयर कीजिए। बिहार के ये प्रमुख शहर सासाराम आपको कैसा लगा ज़रूर हमें बताइएगा। फिर एक वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।